हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ में शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होगा, गलत कर रहे हो। आ के साथ हाथ भी जैसे करो तभी तो भीख मिलेगी। फेल हो जाओगे सिग्नल पे। हाँ शुरू करो जो तुम्हें मैंने कल सिखाया था। तुम पहले रद्दी दे। परेशान हो चुका हूँ मैं लोगों से। रद्दी कैसी होती है? वैसा मुंह बना लो। रद्द बना मुंह पे दिखना चाहिए। रद्दील रद्दील। तुम लो बैंगन ले। यार बैंगन में एक लटकन है, वो आनी चाहिए। ऐसे लो बैंगन ले। तुमसे नहीं हो रहा है, तुम जरा रद्दी बेच के दिखाओ। अखबार दे, पुराने बर्तन दे। वाह आशे, तुम रद्दी बेचोगे? तुम फल बेचोगे? सर पहले मैं रद्दी ही बेचता था, पिछले हफ्ते सूर के चक्कर में हमारा धंधा चेंज करवा दिया। तो मुझे बता ना कि मैं बेवकूफ हूँ। हेलो उस्ताद जी, मैं कमिन। कितना ही ना होगी तुम, हाँ मेरे कुर्ते में घुस जाओगी इधर। एक तो क्लास में लेट आती हो, फिर कह रही हो कम इन। ये तुमसे ज्यादा बेस रहे हैं, लेकिन क्लास में पहले आए हैं। उस्ताद जी आपने मुझे डांटा। बदतमीज, क्या जरूरत है इतनी जल्दी आने की? कौन सा तू मोहम्मद रफी बन गया? सुनील इधर आओ, इधर आके मुर्गा बनो। बदतमीज कहेंगे, खबरदार अंडे दिए तो। विराट कोहली तो यार आपने उस दिन वो 5-6 छक्के मारे ना बैक टू बैक। हाँ तो मेरा कमिश्नर साहब का बेटा आपका बड़ा फैन है, उससे मैच मिस हो गया, तो उनके घर पे आके अगर आप लाइव मार सके तो। अच्छा लाइव नहीं मारते, जो करते हैं उधर ही करते हैं। तो कल को आपको लाइव शो बुक हो तो फिर कैसे करते हैं? अच्छा लाइव शो लेते ही नहीं। अच्छा अच्छा ओके, आराम से। मैंने तो सुना था आपने गालियाँ छोड़ दी हैं आप। ठीक है। अर्जुन जी, हाँ जी कैसी हैं आप? बस बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ऐसे ही होता है, बैठे बैठे कमाओ तो बहुत बढ़िया होता है। देखिए शुरू हो गया। ओए कौन हो तुम लोग? सरकार मर मर के शौचालय बना रही, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? हाय हाय पुलिस पुलिस, बचो, रेड पड़ गई, भागो। एक मिनट एक मिनट, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कौन है ये उधड़ा हुआ टूथब्रश? कौन है तू? कौन है तुम? इंस्पेक्टर साहब ये मेरे उस्ताद जी हैं। अच्छा अच्छा ये उस्ताद हैं, मुझे लगा दिवाली गई है किसी की सफाई में से निकलाई है। चल क्या रहा है इधर? सर यहाँ कुछ गलत नहीं चल रहा है, हम दोनों इनके चेले हैं। या तुम तो मुझे बकरे के लेले लग रहे हो। शराब की बोतलों में सब्जियां भर भर के बेचते हो, तुम लोगों पे केस बनता है, तुम पे बनता है बुढ़ी लोमड़ी। इंस्पेक्टर साहब आप ऐसे मेरे उस्ताद जी को बुढ़ी लोमड़ी मत बोलिए। ये उस्ताद है, क्या सिखाता है ये तुम्हें? अपने ही मुंह से अगर अपना हुनर कहा तो वो क्या हुनर हुआ? हाय हाय। इसलिए ये हुनर नहीं है मेरे पास, मैं उस्ताद हूँ, मैं म्यूजिक सिखाता हूँ। और आप क्या करती हैं हारमोनियम पे? ये व्हाइट और ब्लैक नेल पेंट लगाती हैं, क्या करती हैं आप? क्या इंस्पेक्टर साहब, ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को इंस्पेक्टर साहब बोलने के जुर्म में मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। तो मैं क्या बोलूं? तुम मुझे कहो शमशेर मेरा नाम है, तुम शेरू, शेरू थोड़ा पपी टाइप हो जाएगा। हाँ सुशी है सुशी। ओए फंगस लगी बर्फी, ये ऑप्शन मैंने उस लड़की को दिए। ज्यादा फ्रेंक जो ना मेरे साथ। ओके और ये किसके साथ? ये बाल सफेद किए तुमने अपने? साहब मैंने नहीं किए, ये अपने आप हो गए हैं।
अपने आप हो गए हैं। एक तो मेन आर्टिस्ट की माँ लेट आ रही, शूटिंग कैसे टाइम पे शुरू होगी? ओ, तुम्हारे सर के ऊपर पड़े पड़े ये सफेद हो गए, इतना बदलाव आ गया और तुम्हें पता नहीं चला? क्या सिखा रहे हो तुम लोगों को? वो गा के सुनाओ अपना राग भैरवी में, रद्दी गा के सुनाओ। अकबर अच्छा, मैं इतना इंप्रेस हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा सुर ज्यादा गंदा है कि तुम्हारा मुंह। ये राग भैरवी था, ये राग तेरहवीं है, किसी की डेथ हो सकती है। और ये सब लोगों को सिखाने के जुर्म में तुम्हें आधे घंटे की फांसी दी जा सकती है, तुम्हें पता? आधे घंटे की फांसी? हाँ, पहले 5 मिनट देंगे, उसके बाद हिला डुला के देखेंगे कि तुम बच तो नहीं गए। देखो, ऐसे लोगों की हम लेगेसी खत्म करना चाहते हैं। किसी की धमकी से डर नहीं लगता? धमकी से तो कोई भी नहीं डरता। ये जब ये पेश करते ना हम, ये देखो इधर, धमकियों से तो क्या होता है, सिर्फ ईगो हर्ट होती है। इससे ना जो पीछो हर्ट होती ना, जब आपकी पीछो पीछो सूजो सूजो होती है, तो फिर पूछो पूछो क्या होता है फिर, बताओ। अच्छा, ये मुझे लगा बांसुरी उसके छेद बंद हो गए, वो खुलवाने आए आप, मेरे को पता नहीं था ये डंडा है। ओए इधर आओ, तुम्हें पता है ये जो चीज है ना, ये ऐसी बांसुरी है कि जहां जहां छेद नहीं भी होते ना, वहां पे खोल देती है ये। तुम्हें चलना पड़ेगा थाने, तुम्हारी कंप्लेंट मिली है। कंप्लेंट मिली है? मेरी कंप्लेंट मिली है। एक मिनट माँ, मैं कहता था ना एक दिन मेरी कंप्लेंट जरूर मिलेगी। बात ओए ढीले तकिए की रुई, तुम्हारी कंप्लेंट मिली है, तुम्हारी बीवी नहीं मिली जो इतना खुश हो रहे हो तुम? चलो मुझे ठाने छोड़ के आओ, मेरा पेट्रोल खत्म हुआ। चलो, बीवी मिली तो खुश होते हैं, तुम्हारे जैसी मिले तो खुश होते हैं। हेलो, देखिए इंस्पेक्टर साहब। ओए, इतनी खूबसूरत लड़की से कानून बात कर रहा है, ये तेरा अपना बीच में मुंह घुसेड़ना जरूरी है? एक मिनट उस्ताद जी। हाँ? देखिए इंस्पेक्टर साहब जी, आप मेरे उस्ताद जी को थप्पड़ तो बिल्कुल मान नहीं सकते हैं। क्या ये आइडिया मेरे दिमाग में था ही नहीं? ये थैंक यू फॉर गिविंग मी द आइडिया, बड़े ब्यूटी विद ब्रेन। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे उस्ताद जी को लात तो बिल्कुल नहीं मार सकते। क्या बात कर रही है? मैं इंस्पेक्टर साहब भी बना, मैं घोड़ा था, मैं दुलत्ती मार देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो गजल, खबरदार तुमने मुझे बचाने की कोशिश की तो। एक खूबसूरत लड़की को डांटने के जुर्म में तुम्हें मैं अंदर कर दूंगा और तुमको मैं आगोश में ले सकता हूँ। सुनो मेरी बात सुनो, लेट्स गो फॉर डिनर, मैंने तुम्हारे लिए एक टेबल बुक किया है। ये टेबल खाती नहीं है। ओए, फटे हुए दही तेरा बोलना जरूरी है? साहब मैं बता रहा हूँ, फटा हुआ दही नहीं, फटा हुआ दूध होता है। पुलिस वालों के सामने बहुत कुछ फट जाता है, तुम्हें पता नहीं अभी। ये इसे सीखती तुम, मुझसे सीख लेती। अच्छा, आपको गाना आता है? तुमने सुना नहीं, कानून के हाथ लंबे होते हैं। हाँ। मैं तो यहाँ बैठे बैठे उसका हारमोनियम बजा सकता हूँ। अरे वाह, मतलब आप तो बड़े उस्ताद हैं। अरे ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ। अगर आप ये कहें कि भाई आप ज्यादा अच्छा गा लेते हैं, वो ठीक है, मैं बेवकूफ कहें, लेकिन आप कहें हमसे अच्छा रियाज आता है आपको, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। फोक म्यूजिक में कुछ सुनाओ, सुनाओ कुछ फोक म्यूजिक में। मैं सुना देता हूँ। ऐसे नहीं, वो जो नूडल वाला फोक होता है उसके ऊपर बैठ के सुनाओ। तो आपको मेरा म्यूजिक सुनना है कि मेरी चीखें सुननी है साहब? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे उस्ताद जी के टैलेंट को डाउट कर रहे हैं। ये क्या क्या टैलेंट, क्या सीखा है तुमने इसे? आपको पता है उस्ताद जी मुझे बहुत कुछ सिखाया है, उन्होंने मुझे पैरों में कंघी अटका के जुए निकालना सिखाया है। ओए 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 ओए, इतनी जल्दी सीख गई, ये तो सालों के रियाज के बाद आती है चीज। वो भी तो बताओ जो वॉशिंग मशीन में बैठ के कपड़े धोना सिखाया है। हाँ हाँ, वो भी। वो भी दसवीं, इधर आओ। इतना कुछ सिखा दिया तुमने लड़की को, वो राग चिंगारी नहीं सिखाया आपने? अरे हाँ, वो क्या होता है? वो जब मैं तुम्हारे दोनों पैरों से रस्सी बांध के तुम्हें मोटरसाइकिल के पीछे बांध के घसीट के लेके जाऊंगा ना, तुम्हारे दोनों तबलों में से जब चिंगारियां निकलेंगी, तब तुम्हें पता चलेगा राग चिंगारी क्या होता है। नहीं नहीं, बहुत हो गया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे उस्ताद जी को ना बहुत तंग करें, एक मिनट रुके।
हाय फैंस, आपको पता है ये इंस्पेक्टर ना मेरे उस्ताद जी को बहुत तंग कर रहे हैं। हाय फैंस, अगर आपको मेरा तंग करना अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आप फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। तो मेरे पास आपके जैसे कपड़े नहीं थे, ऐसे ऐसे करके फॉलोवर बढ़ा लो, हमें तो रिक्वेस्ट ही करनी पड़ती है। हाय, एक मिनट एक मिनट, ये देखो कमेंट आया है कि ये तो इंस्पेक्टर है ही नहीं, इन्हें तो एक साल पहले सस्पेंड कर दिया था। तो मैं सस्पेंड हूँ, दिखो वो, ये इंस्पेक्टर जाली है, झूठा इंस्पेक्टर है ये बर्दाश्त नहीं हुआ था। मेरी क्लास खराब करने के जुर्म में तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। सजा उसको मिलती है जो पकड़ा जाए। हाँ। वो देखो चिड़िया, ये बच्चों वाली हरकतें करके मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। अच्छा तो ये देखो फिर। ओ, भागो! तुम इधर रुको, तुम किधर भाग रही हो? बस तुम्हारे पीछे तो मैं आया हूँ। रुको रुको। में एक बड़ी खूबसूरत फिल्म आई थी और वो फिल्म सबने देखी है, इतनी बड़ी हिट हुई थी और उसके डायलॉग तक लोगों को याद है। उस फिल्म को देखने के बाद हर कोई पूछ रहा था कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ। आपको याद आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। दृश्यम की एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मेरे को इतने गाने याद आते ना तब्बू जी को देख के। हेलो, मेरी जिंदगी के विलन, कैसे हैं आप? आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती भाई साहब। रकुल आ जाए, नोरा आ जाए, आज तब्बू जी आई तब भी आप बीच में, मैंने भी आपका नाम लेना था। आप मतलब 12 दिसंबर को क्या हुआ था अमृतसर में? सुबह हुई थी, दोपहर हुई थी, फिर रात हुई थी। और आपकी शादी भी हुई थी। हुई होगी थोड़ी सी, थोड़ी सी। और 10 दिसंबर और 1 फरवरी को क्या हुआ था? हाँ। उस दिन भी सुबह जहाँ तक मुझे याद है दोपहर हुई थी, फिर शाम हुई थी, फिर रात हुई थी। और आपके बच्चे हुए थे। तो ये सब आज यहाँ बताने की क्या जरूरत है भाई साहब? क्योंकि तू समझ जाए कि शादी के बाद नो फ्लर्ट, फैमिली फर्स्ट। हम भी तो फैमिली है ना सर, ऐसे यही नहीं समझते ये। आपको पता है मैं अपने काबिल दोस्त से जानना चाहता हूँ कि आपको याद है 24 फरवरी को क्या हुआ था? क्या? मैं सत्संग कर रहा था। सत्संग नहीं कर रहे थे भाई साहब, आपकी शादी हो रही थी। एक ही बात है, शादी के बाद हर आदमी सत्संग ही करता है। आपको ये याद है 20 अप्रैल और 13 सितंबर को क्या हुआ था? मैं बच्चे हुए थे। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, एक शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप दूसरे शादीशुदा और 2 ही बच्चों के बाप का काम क्यों खराब कर रहा है? आपका क्या प्रॉब्लम है? Let's focus on तब्बू जी। तो मैं ये बोल रहा था तब्बू जी, पैंडेमिक में मैंने बहुत याद किया आपको। क्या बात कर रही हैं आप? अरे मतलब कुछ चीजें जो पैंडेमिक में बहुत मिस की हर इंसान ने। जी ये आपका शो इज वन ऑफ दोस थिंग्स व्हिच आई रियली मिस। हाउ स्वीट तब्बू जी, मैं सच्ची बोल रही हूँ। मम्मी बेटे के नाम पे शो, इसका मतलब ये नहीं जब मर्जी आ जाओ, कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए। तब्बू जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी आंखें बड़ी नशीली हैं, आपको पता है? आपको देखते देखते बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो ड्रंक एंड ड्राइव केस में अंदर हो सकता है। ओह माय गॉड, मजाक नहीं कर रहा मैं, इतनी नशीली आंखें आपकी। शादी से पहले मैं इतने बार आई हूँ शोज पे, आपने ऐसी कोई बात बोली मुझे? मन में था लेकिन क्या, शादी के बाद आदमी एक्सपीरियंस हो जाता है। एकदम लाइसेंस मिल जाता है ना। लाइसेंस। अच्छा इनकी आंखें नशीली हैं? हैं, उनकी आंखें नशीली हैं और मेरी आंखों में गन्ने का जूस भरा हुआ है। वैसे तेरी आंखें भी नशीली हैं? मेरी आंखें नशीली हैं? हाँ। क्या बात कर रहे हो? मुझे लगता है 6-7 हुए होंगे। 6-7 कहाँ हुए थे,
हम रात को 2 बजे तक तो यहाँ शूट कर रहे थे। आपको पता है तब्बू का मतलब क्या होता है? तबस्सुम इनका पूरा नाम है। तबस्सुम का मतलब होता है स्वीट स्माइल, खूबसूरत मुस्कुराहट। आपको पता है पिछली बार जब आप आई थी ना, हमारे दास दादा ने, ये देखो अभी भी कैमरा उनके हाथ में है, ये जो ब्लू शर्ट में, ये आपकी स्माइल देख के इनका शुगर लेवल बढ़ गया, कंट्रोल ही ना आए। फिर मैंने बिना मेकअप के अर्चना जी दिखाई इनको, उसके बाद For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.